जब भी हम लोग कोई हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज ज्वाइन कर लेते हैं, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं, हमें एक ही चीज़ एडवाइस की जाती है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप पनीर खाने लग जाइए। तो आप जानते हैं आयुर्वेद में पनीर खाना कितना सही है और कितना गलत है। आयुर्वेद में एक सूत्र बताया जाता है जहाँ पर कहा जाता है शुक्र निद्रा कफ करावष्टम भी गुरुदोषिला। इसका मतलब होता है कि पनीर आपके शरीर में क्या क्या कार्य करता है। विष्टम भी, यानी कि आपके शरीर में कब्ज़ को बढ़ा देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पनीर का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में कब्ज को बढ़ा देगा, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देगा। अगर आप इसका बहुत ज्यादा अमाउंट में सेवन करेंगे तो आपका जो पाचन अग्नि है वो धीरे धीरे कम होता नजर आएगा। लेकिन किन लोगों को पनीर आयुर्वेद में एडवाइस किया जाता है खाने को, यहाँ पर कहा गया है कि वात और पित्त से अगर आप परेशान हैं, आपकी प्रकृति वैसी है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे कि आप दुबले पतले हैं, आपको नींद भी नहीं आती है ठीक से, आपका बहुत ज्यादा मतलब वर्कआउट बहुत रहता है, चलना फिरना हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा हैवी है आपका, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ बहुत मोटे हैं, ऑलरेडी उनमें कफ प्रकृति है, हैवी है उनका वेट और वेट बहुत इंक्रीज है ऑलरेडी, और आप सिर्फ घर में बैठे रहते हैं, आपका कुछ और कार्य नहीं है, तो ऐसे लोगों को पनीर से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और फिर भी आप पनीर का सेवन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जब भी पनीर खाते हैं उसे या तो काली मिर्च और नमक के साथ भून के खाइए, तला हुआ पनीर हमें नहीं खाना चाहिए, या फिर पनीर खाने के बाद में आपको छाछ का सेवन करना है। आयुर्वेद में पनीर के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्ण।